नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेघरा प्रखंड के बाल विकास परियोजना अंतर्गत संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तेघरा प्रतिमा आचार्य के द्वारा निर्धारित माइक्रो प्लान के अनुसार 15 मई सोमवार से 20 मई तक प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र बढ़ली, रातगांव, आधारपुर, गौड़ा एक, गौड़ा दो, धनकौल, पकठौल, पिपरा, दुदरा, चिल्हाय, बरौनी एक, बरौनी दो, बरौनी तीन, निपानिया, मधुरापुर एवं नगर परिषद क्षेत्र तेघरा तथा नगर परिषद क्षेत्र बरौनी के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिन प्रतिनिधि एवं आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर की देखरेख में अभिभावकों एवं बच्चों के बीच पोशाक राशि का वितरण किया जा रहा है, इसी के आलोक में बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी नामांकित बच्चों के अभिभावकों के बीच पोशाक की राशि प्रदान किया गया। रातगांव पंचायत अंतर्गत भगवानपुर चक्की एवं पेठिया गाछी वार्ड नंबर 9, 13 एवं 14 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 8, 12 एवं 221 पर सेविका कामिनी कुमारी, शिल्पी कुमारी, मंजू देवी के द्वारा अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 400 रुपया प्रति बच्चे के दर से राशि का वितरण किया गया। वितरण के वक्त उपस्थित रातगांव पंचायत की मुखिया आरती कुमारी, उप मुखिया मोहम्मद इब्राहिम, वार्ड सदस्य सुशील कुमार राम, संदीप कुमार लोली एवं वार्ड सदस्य उदय महतो ने अभिभावकों से अपील किया कि हर माँ और पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक भेजना। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों को बताया कि शिक्षा वह पूरी है जिससे संसार का हर दरवाजे खुलते हैं। हर हाल में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थान में भेजना चाहिए। उपस्थित बच्चों में पोशाक राशि पाकर फूले नहीं समा रहे थे। माइक्रो प्लान के अनुसार आंगनबाड़ी बड़ी बेक्षिका आरती कुमारी, प्रमीला सिन्हा, राधा कुमारी, सुनीता कुमारी एवं परियोजना के किशन कुमार आदि ने अपने माइक्रो प्लान के अनुसार क्षेत्रों में पोशाक राशि के वितरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वितरण के कार्य में लगे हुए हैं। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।